फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैनुअल के बारे में वीडियो बनाइए, जो टावर क्रेन का मैनुअल है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, ये हमारा क्रेन एसी का है और ये 60-40 है, यानी कि 60 मीटर बूम है और इसकी जो हाइट है 40 मीटर है। इसके हिसाब से इसको 60-40 बोलते हैं। और इसका मैनुअल दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको कि मैनुअल देखने का आसान तरीका क्या है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। हमारा टाई बार क्या है, केज क्या है, जो भी इसका डिटेल है इसमें सारा कुछ लिखा है। तो पहले आपको मैकेनिकल का बताएंगे, फिर इलेक्ट्रिक का समझाएंगे, क्योंकि हमारे एसी वाले इधर ही हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं, अगर वो बताएंगे तो आपका ज़रूर हम बताएंगे, क्योंकि जो मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का आपको पूरा बता देंगे और दिखाएंगे कि हमारा जो पार्ट टू पार्ट है कैसे जुड़ता है और कैसे डिसेंबल होता है, कैसे असेंबल होता है, सारा कुछ इसमें पिन क्या है, क्वार्टर पिन क्या है, सेफ्टी पिन क्या है, सारा कुछ इस पर लिखा रहता है। और बस आपको ड्राइंग है जो मैनुअल है समझना आना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इसको समझना है, आपको बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक बने रहें और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो तरफ और करते हैं स्टार्ट। देख सकते हो सामने फिलहाल में ये हमारा दो मैनुअल है, इसको खोलते हैं, खोल कर देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो देख सकते हो सामने फिलहाल में हमारा पूरा टावर क्रेन खड़ी है और इसको खोलते हैं और थोड़ा हवा भी चल रही है, एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देख सकते हो सामने फिलहाल में ये हमारा होइस्ट मोटर का है और होइस्ट मोटर का है। तो देख सकते हो सामने कौन सी पिन, ये साइड से दिखाता हूँ आपको, कौन सी पिन कैसे लगेगी, कौन सा पिन कहाँ खुलेगा, कौन सा पिन क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा है और बस खाली हमें समझना चाहिए। जैसे देख सकते हो हमारा ए वाला उंगली जहाँ रखा हूँ, ये मेन पिन है जो कि इसको सपोर्ट करके रखेगा। तो मेन पिन का मतलब ए है, दिखा देता हूँ आपको, ए वाला पिन है, ठीक है, ए पिन है तो जो पकड़ कर रखा है। मोटर के पास ही खड़ा हूँ, अच्छा हुआ कि आपको सारा कुछ समझने को मिलेगा। तो देख सकते हो हमारा मोटर है, ठीक है, तो मोटर तो आपको समझ में आ रहा है। ये हमारा गियर बॉक्स है, ये रहा हमारा ड्रम और ड्रम के नीचे सब जो छोटी छोटी पुल्ली निकली है गियर बॉक्स है जैसा, इसी एक पहला वाला मोटा वाला है, एक ऑयल वाला पॉइंट है इसमें, ऐसा पूरा ऑयल भरा है बराबर। इसके बाद में फिर ये छोटा निकली है, फिर दूसरी निकली है, तीसरी निकली है, इसके बाद में फिर इधर से आकर नट बोल्ट फिक्स होगा, इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट होगा। फिर ये जब मोटर चलेगी ना, ये जब चलेगी तो ये घूमेगी पूरा, ये जब घूमेगा तो पूरा ये ड्रम घूमेगा, ठीक है, ये पार्ट टू पार्ट है, बस खाली हमें समझना चाहिए। ये हमारा लिमिट का है, ठीक है, और ये हमारा रहा ऑयल पॉइंट जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं ना, इसमें ऑयल डाला जाता है और ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ये वही पॉइंट है, ये दिखा देता हूँ, ए वाला ये जो कवर किया है, ए छेड़ा कवर किया है, यही है, और लिमिट वो साइड में लिमिट है। तो आपको सारा कुछ समझ में मिलेगा और देख सकते हो हमारा एसी का क्रेन है और देख सकता हूँ, पलटता हूँ आगे और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो इसमें क्या क्या लिखा है सारा डिटेल, जैसे कि होइस्ट मोटर एक है, ठीक है, ड्रफ्ट हुक एक है, वाई है, क्या है, जो भी लिखा है सारा कुछ इसमें डिटेल लिखा है, ब्रेक का है, क्या क्या लिखा है इसमें सारा कुछ है, बस हमें समझना आना चाहिए। और तो पहला पार्ट देख लिए, ये भी दूसरा पार्ट है, बट अब आपको आगे दिखाते हैं, ये भी होइस्ट मोटर का ही है, ठीक है, ये सॉफ्ट राइड का है, जो मेन पुली आता है वहाँ का है, सॉफ्ट राइड पुली का दिखाता हूँ आपको सर, ये उड़ेना तो आपको दिखा देता हूँ, वो वाला है, दिख रहा है ना, वही है, आ जाता हूँ इधर, एक एक करके दिखाऊंगा आपको। ये हमारा टायराइड का आ गया, थोड़ा खुल गया, ये टायराइड का आ गया बराबर, टायराइड का काउंटर जीप वाला, इसमें तीन काउंटर जीप है, सॉरी मतलब इसमें तीन काउंटर, ये जो देख रहे हो ना टायराइड टाई बार, ये तीन है, पहला है छोटा वाला, दूसरा सेम है, देख सकते हो ये पहला वाला है, दूसरा है और आगे तीसरा है, क्योंकि हमारा जो बूम की लेंथ है ना 14 मीटर, अरे ये काउंटर जीप की लेंथ 14 मीटर, इसके हिसाब से तीन टाई बार दिया है। अब तो आगे पलटते हैं देखने को क्या मिलेगा, ये देख सकते हो हमारा टावर हेड, तो इधर रख देता हूँ एक मिनट, वो लोग काम करते हैं, देख जिनको मैं बुलाता इधर आपको समझाता और दिखाता, ये अब नहीं उड़ेगा। तो देख सकते हो हमारा जाने के लिए रास्ता है, तो ये जो देख सकते हो ये कपलिंग है ना, इसको हम साइड से कभी ये अगर यहाँ पे नहीं फिक्स होगा ना, ये साइड से नहीं होगा तो कभी उसको राउंड करके घुमा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा किरण खड़ा की है ना,
तो कंपनी ने उल्टा भेजा था, तो इसको हम पूरा घुमा दिए वापस, इसके बाद में इसको घुमा के नीचे से लगा दिए। तो अगर कभी ऊपर से नहीं आता है तो कभी नीचे से भी आता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। आप ये हमारी पुली है जो इसमें से रोप जाने वाला है, बराबर, ये हमारा टाई पार का है और जो मेन केबल जाएगा इस पे से हमारा रोप जब हम किरण को असेंबली करेंगे उस समय इस पे से जाने वाला है, और हमारा काउंटर जीप वाला नीचे का आएगा। देख सकते हो सारा कुछ लिखा है और डिटेल भी गया है, बस हमें समझना आना चाहिए। दूसरा पलटते हैं, दूसरा सेम टू सेम यही है और नीचे से रड गया है, रड है ये जो रड है ना, रड आगे काउंटर टावर हेड में घुसेगा, इधर से बोल्ट दिया गया है, ये जो बोल्ट हमें टाइट करके वापस ए चार खाँचा में टाइट करना है, इधर भी प्लेटफार्म, प्लेटफार्म ऊपर कर देंगे खुल जाएगा। ऐसे सेम टू सेम हमें बस समझना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ए रहा हमारा रेडियस स्ट्रेचिंग एज मोटर का गेयर बॉक्स का, आगे पलटते हैं, ए भी वही चीज़ है। ए रहा हमारा टाई का, बूम का टाई का है, ठीक है, जीप टाई बार है लिखा है ना आगे, ये जीप टाई बार है वही है। तो कैसे कैसे लिखा है जैसे कि देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल सात टाई बार लगा, इसमें लगा एक दो तीन, तीन लगा है, ठीक है। तो आपको इसमें का नंबर भी है, शायद इसमें नंबर होगा तो दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे हमें इसको समझना है और कैसे कैसे जानना है। तो पलटते हैं आगे, जैसे कि हमारा ए पहला वाला है ऊपर, हमेशा जो पुली वाला है ऊपर रहेगा और पुली में से घूम के आके सीधा साइड से आके इसमें बनेगा, इधर क्लैंप मारेंगे तब हम किरण खोलेंगे या जब किरण लगाएंगे, क्योंकि टाई उतरेगा नहीं हाथ से, पोटेंट जैसा नहीं है कि हम लोग बूम अप करके उठ निकालेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा इस, क्योंकि इसका जो टावर हेड है, टावर हेड ज़्यादा हाइट का है। तो दूसरा दिखाते हैं आपको, ये हमारा बूम का है, जैसे बूम असेंबली करेंगे ना ये बूम का है। तो हमें पहला बूम कौन, पहला मास कौन से जोड़ना है, देख सकते हो नंबर दिया है एक बराबर दो, ठीक है, और एक तीन। तो तीसरा नंबर पे ए आने वाला है, जैसे कि टाई लगा है ना हमारा टाई, इसी पे आने वाली। तो हमें समझना कैसे है, जब आगे जब जाओगे ना जहाँ पे पिन लगी है ना, जो छेड़ा अंदर घुसने वाला है यहाँ पे, ए छेड़ा इधर इधर का नहीं, इधर इधर ए अंदर घुसेगा, यहाँ पे पिन लगी है, जब कभी भी कंपनी किरण देती है तो ए साइड का है ना, ए साइड जिधर पिन लगी है उधर नहीं, जिधर पिन ना लगी है ना, जैसे कि कोई भी बूम में पिन ना लगी, वो साइड में देखोगे नीचे तो नंबर लिखा रहेगा, कोई भी किरण रहने दो उसमें यहाँ पे नंबर लिखा रहता है कि कौन सा नंबर कितने का बूम है, ठीक है। अगर बूम तो सबका सेम है, अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा, नीचे पुली लगी रहेगी, ये देखो मिली, ये पुली लगी रहेगी, तो आपका जो रोप जाएगा ना, एक मिनट, जब आपका रोप जाएगा ना तो रोप कभी कभी दो पुली एक ही पास में हो जाएगा, तो बाद में आपको दिक्कत होगा, बाद में फिर रगड़ेगा यानी कि घिसेगा, तो फिर बहुत दिक्कत। दोस्तों देख सकते हो फिर ये हमारा आया छठवां सातवां, फिर जो जो नंबर है बस ऐसे स्टेप बाई स्टेप आपको लगाते चले जाना है, और भगाते हैं दिखाते हैं, क्या थोड़ा हवा भी चल रहा है ना। ये हमारा लास्ट का हुक का है, जो लिखा है ना केबल वायर एंटी टेंशन डिवाइस, ठीक है, एक लास्ट का है, चाहे जिधर हम लोग केबल को बिस्किट डाल के यानी कि जो वेस्ट डाल के लोग करते हैं, ये लास्ट वाला है, इधर ही पिन आने वाला है, ठीक है। तो ये लास्ट में रहेगा, एक एक दो तीन, ये अंदर घुस जाएगा पिन, इसके बाद में एक घुस जाएगा, जैसे पिन घुस के एक लॉक हो जाएगा बोल्ट। तो देख सकते हो सामने सब, बस हमें समझना आना चाहिए कि हम ये ड्राइंग क्या बोल रहे हैं, यानी कि जो मैनुअल है क्या बोल रही है। ये हमारा ट्रॉली का है, तो ट्रॉली प्लेटफार्म इधर रहा, और ए रही दो पुली इधर और दो पुली इधर रही, ठीक है, और नीचे रहा रोलर, और ए रहा हमारा लॉक वेस्ट, जो कि कभी भी जैसे कि या तो कभी आप आउट इन कर रहे हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो जैसे ट्रॉली रोप टूट गया है तो फिर कट गया, इसके हिसाब से तो लॉक दिया रहता है, तो जो ट्रॉली के जो रोप है रोप के अंदर से ही जाएगा, ठीक है, रोप ढीला कभी हुआ तो एक खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस ट्रॉली मान लो कि अगर अंदर का खुला जब ट्रॉली आपका अंदर का वायर टूट गया तो बाहर वाला लॉक कर देगा, ठीक है, आने नहीं देगा, यानी कि बाहर वाला टूट रहा था अंदर वाला लॉक कर देगा, मतलब कि ए ट्रॉली सेफ है, ए ट्रॉली है। और आप भगा कर दिखाते हैं, वीडियो तो देख रहा हूँ बहुत बड़े हो जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी लास्ट तक बने रहें, दिखा देते हैं आपको ड्राइंग। ए हमारे ट्रॉली का है, आगे भगाते हैं, ए हुक ब्लॉक का है, हाँ ए हुक ब्लॉक का है, दो दो पार्ट में सब दिया है आपको, बता देते हैं, पहला वाला ए हमारा है, दूसरा वाला ए है, ठीक है। तो पहला वाले में एक पुली है, दूसरा वाले में दो पुली है, तो पहला जब भी रोप जाएगा हमारा होस्ट में से घूम के, तो पहला दूसरा में जाएगा, घूम के पहला में आएगा, अगर पोटेन का किरण है तो पहला में से फिर दूसरा में जाएगा, अगर एसी की है या जुमलेन की है, जो भी अगर
देख सकते हो सिंगल ट्रॉली वाली जितनी भी किरण रहेगी, सिंगल जिसमें ट्रॉली है, ठीक है, और पहला में से घुस के दूसरा में से घुस के नीचे से होके दूसरे पुल्ली में से चल जाएगा आगे। ये वीडियो में आपको बताऊंगा बाद में, जो अगर जो भी अगर किरण में डबल ट्रॉली है तो उसका पहला दूसरा में से घूमते जाएगा, यानी कि ऐसे फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। और दिखा देते हैं, ये भी वही सिस्टम है, कैसे लॉक होगा, हुक ब्लॉक कहाँ आएगा, क्वार्टर पिन की है, इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है, लॉक बेच क्या है इसका, जो भी है सब इसमें सिस्टम दिया गया, बस आपको समझना चाहिए। ये हमारा रहा टाई सी फ्रेम रहा, ठीक है, तो जैसे देख सकते हो ये हमारा एक और दो दोनों तरफ बोल्ट है ना, और लेकिन दोनों तरफ बोल्ट नहीं दिया है, दोनों तरफ दिया है, बाकी तरफ किसी किसी में चारों तरफ बोल्ट रहता है, ठीक है। कब जब हम इसको लगाएंगे तो चारों को खोल के बीच में सेलर डाल देंगे, इसका प्रोसेस बाद में बताएंगे आपको, वीडियो फिर हमें लंबा हो जाएगा तो इसके हिसाब से बाद में देखते हैं। ये हमारा टाई व सी फ्रेम है, आगे बगल थोड़ा हवा भी चल रहा है, आई बीम सी फ्रेम जो भी है आगे दिखाते हैं। ये हमारा स्विमिंग मोटर का है, ठीक है, स्विमिंग मोटर का है, इसमें आयल पॉइंट है, ये हमारा मोटर है, ये हमारा रिंग है, जो भी ये दाता है नीचे वाला आने वाला है, इधर से सप्लाई मेन पॉइंट जाएगी, दिखा देते हैं थोड़ा आगे बढ़ा के। ये हमारा स्विमिंग मास्टर, यानी कि जो टावर हेड के नीचे वाली मास्टर 1.5 मीटर वाली यही है, इधर पर इसका प्लेटफार्म है, और इसी पर आने वाला है हमारा कौन सा क्या टाई बार, सॉरी इसी पर हमारा आने वाला है टावर हेड को, टावर हेड देने वाला है, फिर इसके बाद इधर आएगा बूम या फिर काउंटर बेट, जो भी है आगे पीछे है सेम टू सेम है, बस खाली आपको समझना चाहिए। ए वाला नीचे स्विंग में जाके बैठेगा स्टेप बाई स्टेप है, ये फिर मेरी स्विंग के नीचे का सीढ़ी है, सीढ़ी इसी पर आने वाली, जो हमारी उंगली रखा है उसी पर आने वाली सीढ़ी। और भगाते हैं दिखाते हैं आपको, ए डबल डी आर मैनुअल, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये देख सकते हो हमारा ऊपर का ब्लॉक हेड है, ये यानी कि जो पहला पार्ट दिखाया था जो इसी पर आकर बैठने वाला है, और ये दोनों हमारा मोटर का है, इधर लेफ्ट और राइट में दोनों में मोटर है, ठीक है, और हमारा प्लेटफार्म है, इधर ही हमारे आने वाले केबिन, और इधर भी मोटर का प्लेटफार्म है, और एक छोटा रॉड देख रहे हो ना, ये सपोर्ट दिया है हल्का, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ का है, और ये रही हमारी लिमिट, देख सकते हो हमारी लिमिट है, स्विंग लिमिट। और भगाते हैं दिखाते हैं आप, ये रहा हमारा लोअर ब्लेकर, और देख सकते हो नीचे ये गेट है ना, ये गेट, ए वाला गेट है, उड़ भी रहा है हवा से, ए वाला गेट है, और ये बोल्ट कैसे डालना है बताता है हमें, देख रहे हो ना, ये बोल्ट कैसे डालना है हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि हमें बोल्ट, यार दोस्तों क्या करूँ, थोड़ा हवा भी चल रहा है ना, तो देख सकते हो बोल्ट कैसे डालना है, आपको पता ही होगा। और ये रहा हमारा केज, ठीक है, जोग रहा, जग रहा, और हमारा रहा है पावर पैक, और इसका रोलर रहेगा, इधर ये कान रहा है लॉक करने वाला, और स्टेप बाय स्टेप है, ऊपर का जाली और प्लेटफार्म, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से ऊपर से मास आने वाला है ना, तो ये नीचे रहेगा, देख सकते हो ये बैठा है ना बराबर, ये ऊपर चढ़ा जाएगा, ये नीचे चढ़ाएगा, दूसरा और होगा, पहला पार्ट में सब दो दो पार्ट में है, देख सकते हो दूसरा पार्ट यही है। ये रहा हमारा रोलर जिस पे मास आता है ना, हम रोलर बोलते हैं, लेकिन क्या लिखा है, लेफ्ट एंडल वाई लिखा है, तो देख सकते हो एक उठाने वाला है इधर साइड में, एक कान पकड़ के, ये वाला हमारा क्या है लेफ्ट का है, ये राइट का है। आगे चलते हैं, ये हमारा जब डिवाइस है, जकिंग डिवाइस है, तो देख सकते हो इसमें ऑयल पॉइंट वाला है, कैसे कैसे जोड़ना है, कौन सा पाइप किधर जाएगा, सारा कुछ सारा डिटेल लिखा है, बस हमें इसको समझना चाहिए कि समझना है कौन सा पिन किधर जाएगा। कभी क्या होता है ना, आपको बता दूं, जब भी आप जग लगा रहे हो या जोग लगा रहे हो, तो जिस भाग में ये पिन सेम टू सेम रहेगा, इधर का भी समझ में नहीं आएगा, बस समझ में आएगा कैसे, कभी ये जो छेड़ा ये छेड़ा दोनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, इधर कम रहेगा इधर ज़्यादा रहेगा, जिसकी मोटाई उधर ज़्यादा रहेगी और बाहर रहेगा, जिधर इसकी मोटाई कम रहेगी, यानी कि जिधर होल कम है ये अंदर साइड रहेगा, अगर हम बाहर साइड लगा देंगे तो जग का कान है बैठेगा नहीं, ये बात हमेशा आप याद रखना। और दिखाते हैं, ये हमारा हाइड्रोलिक स्टेशन है, तो देख सकते हो कैसे कैसा पार्ट टू पार्ट है, ये हमारा क्या है सप्लाई का है, पावर पैक का है, और सप्लाई कैसा, ऑयल पॉइंट ऑयल लेवल है, जो भी है सारा कुछ इसमें लिखा है। और दिखाते हैं मोटर का, वही हाइड्रोलिक स्टेशन सेम टू सेम वही प्रोसेस है, तो हवा भी चल रही है। ये हमारा रहा लेक का, लेकिन इस पर आउट रिगर लिखा है, लेकिन लेक बोलते हैं इसको, मास्ट लेक, तो इसी पर हमारा फाउंडेशन आने वाला है ना, ये 1400 का आता है, 1 मीटर 400 का, और इसकी भराई हमें करना चाहिए कम से कम 1100 1150 1200 भी कर दोगे चलेगा, लेकिन इसका जो बोल्ट आएगा ना नीचे ऊपर से डाल के नीचे खोलोगे, अगर नीचे से खोलोगे तो क्यों भरा, ये तो यहाँ तक भराई हो जाएगा, भराई हो जाएगा बाद में क्या होगा, ये खुलेगा नहीं बोल्ट, तो कभी भी ऊपर से डालोगे तो नीचे से खोल लोगे, ये बात आप हमेशा याद रखना।
और दिखाता हूँ आपको, ये हमारा है स्टार्टेड मास, यानी कि बेस मास से बोलते हैं इसको। देख सकते हो बोल्ट कैसा लगाया है, ऊपर से लगाया है ना ऐसा बराबर। दूसरा मास दिखाते हैं, ये भी सेम ठीक सेम वही प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस करके जाओगे। पहले वाशर नीचे दोगे तो उसके बाद फिर बोल्ट डालोगे तो उसके बाद फिर इसका कवर करोगे कि बारिश होए तो ये जो कवर है ना ये वाला, ये कवर बारिश में भीगने ना दे। और दिखाते हैं, ये तो ख़त्म हो गया दोस्तों, बस ख़त्म। दूसरा वाला खोल के दिखाते हैं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। दिखाते हैं दूसरा वाला खोल के इस बहाने, कम से कम आपको तो देखने को तो मिलेगा। अपने पास आज थोड़ा टाइम था क्योंकि ये सप्लाई दिया नहीं है ना, तो अपना काम रुका है, तो उसके हिसाब से आज मैनुअल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वीडियो दोस्तों देख सकते हो हमारा दूसरा है, और खोल के दिखाते हैं आपको। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा काम आ गया है तो इसके हिसाब से थोड़ा अभी हमें सप्लाई देना पड़ेगा, तो जितना होता है आपको दिखा देते हैं। हमारा लोड चार्ट है, जो ये चीज़ लिखा है ना सेम टू सेम केबिन में ये चीज़ लिखा रहेगा साइड में, स्टील या किसका जस्ते के प्लेट पर, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, ये टू पोल है बट ऊपर का फोर पोल है। फोर पोल में कितना उठेगा, टू पोल में कितना उठेगा, कितने बैटरी पे कितना उठेगा, सेम प्रोसेस इधर पे लिखा है और यही चीज़ वहाँ भी लिखा है। तो देख सकते हो आप, ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन डिवाइस एंड लैप्स, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस स्टील कंस्ट्रक्शन, यही हमारा जो लेग है, ठीक है। यही पे चारों का जो पोजिशन है कितना है, 1637 1293 1637 1293 1281 1281। कैसा कैसा कटआउट हमें बनाना है और कितना कितना हमें भरना है। फिलहाल में तो हम लोग 2400 भाई 2400 का भरते हैं, बट देख सकते हो इसमें 1637 1637 पॉइंट दिया गया है, 1281 1281 ये रहा हमारा लेग, ठीक है। और लेग के आपको तो मैं बता ही दिया हूँ कि लंबाई कितना है और जो इसकी पट्टी की चौड़ाई है, पट्टी की चौड़ाई कितनी, पट्टी की चौड़ाई 150 है और जो इसकी लंबाई है 1400, एक यानी कि 1 मीटर 400, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। बट दोस्तों क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम कम है ना, तो जो पावर है, पावर कितना मिलने वाला है, कितने के बी की कितना पावर है, टोटल हमारी सप्लाई कितनी आने वाली है, सब कुछ सारा कुछ आपको बताता और दिखाता स्टेप बाई स्टेप। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत है क्या कि हमें काम करना है, 60 मीटर का मैक्सिमम होस्ट में कितना उठेगा 60 मीटर में, और स्पीड कितनी रहनी चाहिए, सारा कुछ लिखा होता है, स्लो मीडियम स्लो जो भी है पर कुछ लिखा है। बस प्रॉब्लम ये बात है, थोड़ा आपको पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये हमारा मास्क है, जो मास्क का स्टेप बाई स्टेप लगाना चाहिए ताकि ये जो जाली है, जाली नीचे रहेगा जो प्लेन का ऊपर रहेगा, और कभी भी हम जब मास्क लगाते हैं तो नीचे का जो छेड़ा है ना इसको एक चारों कान साफ कर देना चाहिए, ताकि जब मास्क बैठता है तो हल्का सा ना आउट इन होने की संभावना कम रहती है, नहीं तो क्या है हल्का मास्क टेढ़ा हो जाता है। उस कंडीशन में जब हम पूरा बोल्ट टाइट करते हैं, बोल्ट पूरा फोर से टाइट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो स्टेप बाई स्टेप है, बस हमें इसको समझना आना चाहिए। ये हमारा केबिन है और ये हमारा बेस्ट मास है, सारा कुछ लिखा है दोस्तों। थोड़ा टाइम कम है तो आज के लिए इतना ही, फिर और कभी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो में आप फूल लेके आऊँगा जब हमारे पास टाइम रहेगी। तो दोस्तों इतना पूरा काम बाकी है, लेकिन ये 60-40 की इतना आपको दिखाया, कभी भी आपको 50-40 भी दिखाऊँगा, सदा 50-34 का भी दिखाऊँगा, किसी चीज़ का दिखाऊंगा, जुमलेन का भी दिखाऊंगा, 25 टन जुमलेन का भी, जो भी किरण है, लफिंग टावर जितने भी आएंगे मैनुअल, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।